राहुल गांधी एक नादान बच्चा है, वो अपने आप को फैंटम समझते हैं। उनको अभी भी कार्टून देखने का उम्र है, उनको घर में बैठ कर कार्टून देखते रहना चाहिए। 3 या 4 तारीख तक हम लोग ये घोषणा कर दूंगा। उनको राजनीति में लाना किसी के लिए ठीक नहीं है। वो बीजेपी के लिए राष्ट्र प्रथम है, झारखंड प्रथम है, पार्टी दूसरा तीसरा नंबर में। राहुल गांधी एक नादान बच्चा है, वो अपने आप को फैंटम समझते हैं। शायद बचपन में वो कोई सारे कॉमिक सीरियल पढ़े थे, देखे थे, तो इसलिए अपने आप को फैंटम समझते हैं। तो मेरा मानना है कि उनको अभी भी कार्टून देखने का उम्र है, उनको घर में बैठ कर कार्टून देखते रहना चाहिए। नजदीक है, सहयोगी दल आपके आंसू जेडीयू, सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ? सीट शेयरिंग हमारा लगभग हो चुका है। जनता दल यू और आंसू का साथ हम लोग चुनाव लड़ेगा। 3 या 4 तारीख तक हम लोग ये घोषणा कर दूंगा। जनता दल यू को भी कुछ सीट हम लोगों को देना पड़ेगा, आंसू के लिए भी कुछ सीट हमें छोड़ना पड़ेगा। तैयारी हो चुका है, 2-3 राउंड का बैठक हो चुका है। मेरा मानना है कि 3 या 4 तारीख हम लोग सीट एडजस्टमेंट का बारे में आप लोग को बोल दूंगा। रघुबर दास जी उड़ीसा का महामहिम राज्यपाल है, उनको राजनीति में लाना किसी के लिए ठीक नहीं है। वो गवर्नर जैसा पोस्ट में है, इसीलिए जब तक वो राज्यपाल है तब तक रघुबर दास जी का बारे में कोई भी पॉलिटिकल टिप्पणी करना संवैधानिक रूप से गलत है। देखिए, ये जो पेपर लीक हुआ है, मैं हजारीबाग में जुबाऊ का साथ मीटिंग किया था। जुबाऊ ने बोला है पक्का पेपर लीक हुआ है, उनका पास सबूत है। एक रिटायर्ड हाईकोर्ट का जज से इनका इंक्वायरी होना चाहिए। कोई आपत्ति नहीं है घुसपैठ वाला मामले में। हेमंत सोरेन जी अगर बीजेपी हमारा एक पूरा मन से वो डिक्लेयर करते हैं कि हम घुसपैठियों का खिलाफ है, तो बीजेपी उनको भी सहयोग करूंगा। इसलिए बीजेपी के लिए राष्ट्र प्रथम है, झारखंड प्रथम है, पार्टी दूसरा तीसरा नंबर में है। कहा कि हेमंत सोरेन का दामाद है बांग्लादेशी। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्या दामाद है क्या? नहीं तो क्यों सुप्रीम कोर्ट में गया है? अगर घुसपैठियों को हटाने के लिए झारखंड हाई कोर्ट ने कुछ निर्णय दिया है, वो निर्णय का खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्यों गया है? अगर वो तो आपका बेटा बेटी नहीं है, तो आप आदिवासियों के लिए काम करें, आप घुसपैठियों के लिए क्यों काम कर रहे? अभी भाषण देगा, मैं आदिवासियों के लिए हूँ, मैं मूलवासियों के लिए हूँ, मैं घुसपैठियों का लिए हूँ, ऐसे तो भाषण नहीं होगा ना। भाजपा में शामिल हो रहे हैं, लेकिन हुसैनाबाद के भाजपा के कई ऐसे नेता नाराज हो रहे हैं। देखिए, विरोध करेंगे 3 तारीख को। देखिए, कोई लोग बीजेपी में आने में कोई जेनुइन बीजेपी वर्कर नाराज नहीं होगा, इसलिए बीजेपी का परिवार हमें बड़ा करना है। इसीलिए जो भी भाजपा का जेनुइन वर्कर है, कोई भी व्यक्ति बीजेपी में आने में उनको स्वागत ही करेगा। मैं तो बाकी छोड़ दीजिए, मैं तो हेमंत सोरेन जी को ही बीजेपी में बुला रहा हूँ। देखिए, राहुल गांधी, महबूबा मुफ्ती, ये लोग रो रहा है नसरुल्ला कैसे मरे। भारत का अंदर भी कोई नसरुल्ला है, उनको भी मारना चाहिए।